हाय दोस्तों, मेरा नाम एडवर्ड है और मैं डीप वेब के रहस्यों को सामने लाने का प्रशंसक हूँ। इससे पहले कि आपको लगे कि मैं पागल हूँ, आपके लिए ये समझना जरूरी है कि उस साइट पर जो भी होता है मुझे वो पसंद नहीं। मैं अगवा करने, बंदूकों के व्यापार या लाल दरवाजे के हक में नहीं हूँ। आजकल मैं वाइट हैट हैकर हूँ। आप जानते होंगे कंप्यूटर सुरक्षा के वो हैकर जो खासकर उन यूजर्स को रोकने में जुटे रहते हैं जो डीप वेब में आते हैं बुरे इरादे से। एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने से पहले कि मैं डीप वेब पर उन लोगों के अकाउंट हैक करूं जो वहां बुरे इरादे से आए हैं, मैं भी डीप वेब इस्तेमाल करने वाला एक छोटा सा यूजर था। उस टाइम भी मुझे कंप्यूटर्स के बारे में काफी कुछ पता था, लेकिन मैं अनाड़ी था और मैं नहीं जानता था कि वहां समय बिताने से मैं अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहा हूं और इसकी मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 2017 में सभी लोग डीप वेब से आने वाले मिस्ट्री बॉक्स के लिए पागल थे, इसलिए मैंने एक संदिग्ध साइट पर लॉग इन किया। वहां अपनी निजी जानकारी भरी, उस बॉक्स के लिए पैसे दिए और उसके आने का सब्र करते हुए इंतजार करने लगा। उस टाइम में बहुत डरा हुआ था कि कहीं ये सब कोई फ्रॉड तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो बॉक्स नहीं आएगा और मुझे इस बात की चिंता नहीं थी। मैं जिस बात से डरा हुआ था वो ये थी कि वो लोग मेरे घर आएंगे और मुझे और मेरे परिवार को अगवा करके ले जाएंगे। मैं बहुत परेशान था कि मुझे इस तरह अपनी निजी जानकारी नहीं देनी चाहिए थी। मैं इस बात से हैरान था कि कुछ दिनों तक भी किसी ने मेरा अपहरण नहीं किया और बल्कि वो बॉक्स भी आ गया था। वो बॉक्स बहुत ही बड़ा था और जैसे मैं बाकी सबके वीडियोस इंटरनेट पर देखता हूँ वैसा बिल्कुल भी सजाया हुआ नहीं था। बहुत से लोग खुद से ही उस पर प्रश्न चिन्ह बना देते हैं या फिर उस पर मकड़ी के जाले लगा देते हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस एक बड़ा और बुरी क्वालिटी का बॉक्स था। आज बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं उस वक्त उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाता और उसे इंटरनेट पर क्यों नहीं डाली। उसका जवाब बहुत ही सरल है, मुझे मशहूर होने का कोई शौक नहीं है, मेरी सिर्फ उस बॉक्स को खोलने और उसके अंदर के सामान में दिलचस्पी थी और ये जानने में कि क्या मेरे साथ कोई धोखा हुआ है या नहीं। उसे खोलने के बाद मैं इस बात को तो मानता हूँ कि मुझे थोड़ी निराशा तो हुई थी। उस डब्बे में नकली खोपड़ी, चमगादड़, चाकू और रस्सी थी, वो हर चीज़ जो किसी किडनैपर के काम में आती है, और साथ ही साथ ये वो आम चीज़ें थी जो कोई भी कहीं से भी खरीद सकता है। और इस सब चीज़ों के बीच एक और चीज़ कहीं छुपा रखी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया कि कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी फ्रेंच बेल को ऐसे क्यों रखा हुआ है। उसे देखने के बाद मैंने उसे बचाया, वो बिल्कुल ठीक से काम कर रही थी। इस बेल को बजाने के बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कि ये मेरे हाथ में नहीं होनी चाहिए थी। मैं उसे वापस कपड़े में लपेट कर रखने ही वाला था कि मैंने देखा कि उस पर कुछ लिखा हुआ था। आप में से जिस भी व्यक्ति ने इस घंटी को उचित रूप से प्राप्त किया है आनंदित हों, क्योंकि आपको उनका पक और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। वो आपके लिए आएगा और आपको पूरा आनंद देगा, सबसे ज्यादा पर्याप्त सुख और भावनाओं का अनुभव देगा। उस घंटी पर लिखी हुई उन लाइनों को पढ़कर मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने उस घंटी को वापस वहीं रख दिया जहां वो थी और उसे डब्बे में आए बाकी सामान को भी उसमें डालने लगा। मैंने उस डब्बे को अपने कमरे में एक कोने पर रखा और वहां से चला गया। क्योंकि मैं छुट्टियों पर था इसलिए मुझे काम पर भी नहीं जाना था, इसलिए बड़ी सी मुस्कान लिए मैं अपने लिए कुछ बनाने चला गया। जब मैं किचन में पहुंचा तो मैंने बेडरूम से कुछ आवाज आती हुई सुनी और जैसे ही मैं ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि कहीं कुछ गिरा तो नहीं, मैंने पहली बार उसे देखा। जो कमरा मैं अभी छोड़कर आया था वो अंधेरे से भरा था, लाइट्स अपने आप बंद हो गई थी, लेकिन बस ये बात नहीं थी। मैं अपनी आंखों पर जोर देने लगा क्योंकि मैं जानता था कि कुछ और भी था, और जब मुझे उसका पता चला तो मैंने सोचा काश मैंने उसे नहीं देखा होता। दो सफेद डॉट मुझसे करीब 2 फीट की दूरी पर खड़े थे, दो सफेद डॉट जो जमीन से लगभग 2 मीटर ऊपर थे मेरे तरफ देख रहे। क्या वो आंखें थी? किसी भी इंसान की आंखें ऐसी नहीं होती। जैसे जैसे मेरी आंखों ने और गौर करना शुरू किया तो मुझे अपने सामने एक परछाई दिखने लगी। वो मेरी तरफ घूर कर देख रहा था, वो किसी इंसान के आकार का था। वो खड़ा हुआ था, उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और सर पर एक हुड था जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसका पूरा शरीर एक जैकेट से ढका हुआ था। उसका शरीर बहुत ही लंबा और पतला था, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए लग रहे थे। वो देखने में किसी इंसान के जैसा दिख सकता है लेकिन था नहीं। मैंने पीछे मुड़कर भागने के बारे में सोचा लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मेरा पूरा शरीर डर के मारे जम गया था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे मैं बहुत उदास महसूस करने लगा, मैं रोना चाहता था, खुद को खिड़की से बाहर फेंकना चाहता था। आखिर मेरे साथ हो क्या रहा था? ये फीलिंग मेरी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे उस परछाई को देखकर मुझे ये सब महसूस हो रहा हो। मैंने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और उससे बहुत दूर भागने की कोशिश करने लगा। उस दिन के बाद से मैं जीते जी बुरा सपने देखने लगा। वो शख्स न सिर्फ मेरे घर में था बल्कि हर जगह था। जहां जहां भी वो होता मैं अचानक उदास हो जाता। जब ये घटना मेरे साथ घटी तो मैं जानता था कि जहां जहां भी अंधेरा होगा वो शख्स मुझे वहां दिखाई देगा।
अंधेरे में छुपकर मुझे देख रहा होगा। और सबसे ज्यादा भयानक बात तो यह थी कि सिर्फ मैं उसे देख सकता था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं पागल हो रहा हूँ। ये काफी दिनों तक चला और मुझे कभी इसकी आदत नहीं पड़ी, क्योंकि ये बद से बदतर होता गया। जैसे जैसे वो मेरे करीब आता जा रहा था, मुझे उसका एहसास और भी ज्यादा गहरा होने लगा था। मेरे सबसे बुरे दिन की शुरुआत इतनी बुरी नहीं हुई थी। उस दिन मुझे नींद आ गई थी, जो ये कि बहुत बड़ी बात थी। जब मैं उठा तब तक भी अंधेरा था। मैं जब सोया था तो मैंने सारी लाइट्स चालू करके रखी थी, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें खुली तो मैं देखकर हैरान था कि सभी लाइट्स बंद हैं। मैं जानता था कि कुछ बुरा होने वाला है। मैंने बिस्तर से उठने के लिए अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। फिर से कुछ अजीब हो रहा था। मैं सिर्फ ऊपर या सामने देख पा रहा था, जहां मेरी अलमारी थी। मैं देखकर बहुत डर गया कि वो अचानक अपने आप खुलने लगी और उसके अंदर से एक अजीब इंसान निकलने लगा। कौन हो तुम? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? बिना मेरे सवालों के जवाब दिए अलमारी के अंदर खड़ा वो शख्स अब बाहर निकला। वो हिलते हुए आगे बढ़ने लगा। मैंने पहली बार उसे बिना जैकेट के देखा था। उसका शरीर ग्रे रंग का था और उस पर पट्टियां लगी हुई थी। उसका मुंह बहुत छोटा था, जो मुश्किल से ही दिख पा रहा था, और उसका बाकी का शरीर जख्मों से भरा हुआ था। इससे पहले कि मैं उसे और देख पाता, वो मेरी तरफ आने लगा। उसके भागने की गति किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा थी। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। ओह माय गॉड, वो क्या था? वो बिल्कुल हकीकत के जैसा लग रहा था। मैं अभी भी बहुत घबराया हुआ था और डर के मारे कांप रहा था। मैंने उसे अपने आप से कुछ दूरी पर देखा। सारी लाइट्स अभी भी बंद थी, ठीक उसी तरह जैसे मेरे सपने में बंद थी। वो शख्स कुछ दूरी पर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। उस वक्त मैंने अपनी सारी नफरत, गुस्से और ताकत को इकट्ठा किया और उस पर चढ़ गया। शायद मैं उसे हरा सकूं, शायद मैं उससे लड़ सकूं, या फिर शायद वो मुझे मार गिराए और ये सारा खेल खत्म हो जाए। जब मैं यहाँ पहुंचा, जहां वो खड़ा था, वहां मुझे कोई नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता, वो भी वही था। मेरी आंखों को ऐसा धोखा कैसे हो सकता है? और वो मेरे लड़ने की आखिरी कोशिश थी। उस दिन, उस वक्त पर मैं जानता था कि मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कुछ और भी देखा, वो घंटी। मैंने कुछ समय पहले ही उसे डब्बे और उसके अंदर का सामान को फेंक चुका था, लेकिन मुझे उस घंटी के बारे में ठीक से याद नहीं कि वो उसमें थी या नहीं। लेकिन जब मैंने इस शख्स को अंधेरे में ढूंढा तो वो घंटी मुझे जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी, वहीं जहां कुछ समय पहले वो शख्स था। उस दिन मैं सब समझ गया। मैं इस चीज से कभी पीछा नहीं छोड़ा सकता, ना ही मैं इसे फेंक पाऊंगा और ना ही इसे तोड़ पाऊंगा। किसी और को इस चीज को अपनाना होगा, किसी और को इसे अपनी मर्जी से अपने पास रखना होगा। जिस तरह मैंने इसे अपनी मर्जी से मंगवाया था, ठीक उसी तरह मैंने इसे डार्क वेब पर किसी और को बेच दिया। जाहिर है कि मेरी तरह इस बार भी वो घंटी किसी नवयुवक के पास चली गई थी, जो मेरी तरह किसी और को इसे बेच देगा, या फिर ना जाने ये शख्स उस लड़के के साथ क्या करेगा, क्योंकि मेरे साथ भी इसने ना जाने क्या क्या कर दिया होता। उस दिन के बाद से मेरे अंदर डीप वेब की रुचि खत्म नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा बढ़ने लगी। मैंने उस घंटी के बारे में खोज करने का कभी नहीं सोचा। मुझे लगा कि अगर मैं उसके बारे में ज्यादा सोचूंगा तो वो चीज वापस लौट कर मेरे पास आ जाएगी। जो मैंने करना शुरू किया वो था लोगों को इस तरह के जाल में फंसने से बचाने का काम। इन 5 सालों में मैं कंप्यूटर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट बन गया और अब मैंने अपना सारा वक्त डीप वेब की सुरक्षा में लगा दिया है। मैं उन लोगों के अकाउंट हैक करता हूँ जो कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं, और उन बच्चों को डराने की कोशिश करता हूँ जो ये नहीं समझ पाते कि वो क्या कर रहे हैं। वो मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ उन्हें बचाने की कोशिश ही कर रहा हूँ। जब भी मैं उस रात को याद करता हूँ तो डर मुझे घेर लेता है। दिसंबर महीना खत्म ही होने वाला था और बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और गेम्स खेल रहा था। मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं थे। क्योंकि मैं घर पर अकेला था, इसलिए मैंने तय किया कि क्यों ना कुछ डरावना किया जाए। मैंने हाल ही में अपने दोस्तों से डार्क वेब के बारे में सुना था। मेरे दोस्त नोवा ने बताया कि ये बहुत ही डरावनी जगह है। उसने एक निर्भक्षी मंच के बारे में बात की थी, जहां इंसान का मांस खाना पसंद करने वाले लोग अपनी कल्पनाओं के बारे में बात करते हैं। मैंने टॉर ब्राउजर पर लॉगिन किया, जिसकी मदद से डीप वेब देखना आसान हो गया। वहां पर कुछ हिटमैन हायरिंग पेजेस दिखे, कुछ डरावने टॉर्चर वीडियोस भी, और कुछ ऐसी साइट्स भी जहां कंटेंट और भी डरा देने वाला और घटिया था। मैं एक डरावनी मूवी देखना शुरू करने ही वाला था, क्योंकि मुझे कुछ भी इतना पसंद नहीं आ रहा था कि अचानक मेरे सामने एक लिंक आया जिस पर लिखा था कि ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, अगर हिम्मत है तो इसे खोलो लाइव। बिना सोचे मैंने उस पर क्लिक कर दिया और मुझे आज भी अपनी उस हरकत पर अफसोस होता है। मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन काली हो गई। स्क्रीन की दाएं ओर लाइव लिखा हुआ दिखाई देने लगा। कुछ देर तक स्क्रीन पर कुछ नहीं आया,
और फिर एक सफेद रंग की स्पॉटलाइट ऑन हो गई। मेरे सामने एक औरत किचन के बीचों बीच खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे को पूरी तरीके से ढक रहे थे। उसने सफेद रंग के पेशेंट वाले कपड़े पहने हुए थे जो गंदे थे और उस पर मिट्टी के धब्बे थे। किचन हद से ज्यादा गंदी थी। सिंक में गंदे बर्तनों का ढेर था। जगह जगह मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर हर जगह कॉकरोचेस घूम रहे थे। लेकिन जिस चीज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया वो था पुराना स्ट्रोलर जिसे उसने पकड़ा हुआ था। वो ठीक वैसा ही था जैसा कोई हॉरर फिल्म में किसी चुड़ैल के हाथ में होता है, गंदा और धूल भरा। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मुझे एहसास हुआ कि वो आवाज स्ट्रोलर से ही आ रही थी। मैं उस बच्चे को देख तो नहीं पा रहा था लेकिन उसकी आवाज बहुत तेज थी। आखिर ये सब हो क्या रहा है, मैंने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। तभी कमरे में रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में लोरी चलने लगी। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि वो किसी म्यूजिक बॉक्स से आ रही है या किसी और साउंड डिवाइस से। वो औरत म्यूजिक के धुन के साथ साथ स्ट्रोलर को हिलाने लगी। ये सब देखकर बहुत डर लग रहा था। उसके लंबे काले बालों की वजह से उस औरत का चेहरा देख पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा जरूर लग रहा था कि वो मुझे देख रही है। फिर वो बच्चे से बात करने लगी। चुप हो जाओ प्यारी बच्ची, मत रो। मैं ये सब देखकर हैरान था। वो जितना ज्यादा उससे बात कर रही थी वो बच्ची उतना तेज रो रही थी। नहीं 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 नहीं, रोना बंद करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। क्या ये क्या बकवास कर रही। उसने पलने को और जोर से पकड़ा और अब वो उसे और भी ज्यादा जोर जोर से हिलाने लगी। लेकिन बच्ची ने अभी भी रोना बंद नहीं किया। तो तुम चुप नहीं होगी? हाँ, लगता है तुमने अपना मन बना लिया है। उसने पालने को हिलाना बंद कर दिया और उसे छोड़ दिया। फिर वो अपनी दाएं तरफ मुड़ी और उसने जमीन से कुछ उठाया। जैसे ही वो दोबारा रोशनी की तरफ आई मैंने देखा कि उसके हाथ में क्या था। उसके हाथ में कांच का एक डब्बा था जिस पर मेटल का ढक्कन लगा हुआ था। उस डब्बे में जो भी था वो हिल रहा था। जैसे ही मुझे समझ में आया कि उस डब्बे में क्या था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस डब्बे में बहुत सारी बड़ी बड़ी लाल चींटियां थी। ये क्या कर रही है, क्या पागल हो गई है? उस औरत ने अचानक अपने थोड़े बाल हटाए ताकि उसका चेहरे का आधा हिस्सा दिख सके। कैमरा उसके चेहरे पर फोकस करने लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हरे रंग की बड़ी बड़ी आंखें थी जो बाहर को निकली हुई थी और उसके चेहरे पर बहुत ही बुरा इन्फेक्शन हुआ था। मुझे यकीन था कि कोई मेकअप नहीं है क्योंकि वो असली लग रहा था। उसके गाल खरोंच और पस से भरे हुए थे। उसके पूरे चेहरे पर खरोंचे थी। वो मुस्कुराई और उसने अपने होठों पर उंगली रख ली। नन्ही परी को सुलाने का वक्त आ गया है। उस बच्ची की रोने की आवाज पहले से कम हो चुकी थी कि तभी उस औरत ने डब्बे का ढक्कन खोला, उसमें अपना हाथ डाला और मुट्ठी भर कर लाल चींटियां निकाल ली। वो चींटियां शायद उसे भी काट रही थी लेकिन उसके मुंह से चू तक नहीं की, एक सेकंड के लिए भी नहीं। और फिर मैंने उस भयानक मंजर को होते हुए देखा। उसने उन चींटियों को पलने में डालना शुरू कर दिया। चींटियों के पलने में जाने के बाद रोने की आवाज और तेज हो गई। मैं ये देखकर सदमे में चला गया। मैं उस साइट को बंद करना चाहता था लेकिन मेरी उंगलियां जैसे जम सी गई हूं। क्या ये वाकई लाइव हो रहा है? ओ नहीं, तुमने तो और जोर से रोना शुरू कर दिया है। वो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे उसने ये सोचा ही नहीं था। उसका बर्ताव बिल्कुल पागलों जैसा था। उसने कांच के डब्बे को जोर से जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। कांच तोड़ने की उस आवाज ने मेरे कानों को सुन कर दिया। वो एक बार फिर अपने दाएं ओर मुड़ी और उसने अंधेरे कोने से कुछ उठाया। इस बार उसके हाथ में एक ग्लो टॉर्च थी। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये इस पल्ले में आग लगाने वाली है? इससे पहले कि मैं इस पर विचार कर पाता उसने पल्ले में आग लगा दी। धुएं के बादल और आग की लपटों ने पल्ले को पलक झपकते ही राख में बदल दिया। रोने की आवाज और तेज हुई और फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। वो औरत पागलों की तरह हंसी। सो जाओ नन्ही परी, सो जाओ, शांति से सो जाओ। अब मैं उसे और नहीं देख पा रहा था। मैंने उस साइट को बंद कर दिया। फिर मेरे कंप्यूटर में कुछ खराबी लगने लगी और एक नई स्क्रीन खुल गई। वहां पर चैट की विंडो थी। मैंने देखा कि दूसरी तरफ से जो बात कर रहा है उसका नाम द मदर लिखा हुआ है। मेरी स्क्रीन पर एक मैसेज आया, कोई तुम्हारे दरवाजे पर खटखटा रहा है, क्यों ना तुम दरवाजा खोल दो। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। कांपते हुए हाथों के साथ मैंने टाइप किया, क्या ये कोई मजाक है? कोई जवाब नहीं आया। मैं शांति से इंतजार करने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि तभी अचानक मेरे घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटकने की आवाज आने लगी। जल्द ही खटखटाने की आवाज जोर जोर से लात मारने में बदल गई। मैं चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं तो मैं 911 पर फोन कर दूंगा।
मैंने कंप्यूटर का प्लग निकाल दिया, वो आखिरकार बंद हो गया और फिर आवाज आना बंद हो गई। मुझे मुश्किल से ही सांस आ पा रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। 10 मिनट बाद जब मैंने अपनी हिम्मत जुटाई, मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गया। मैंने आई होल से बाहर झांक कर देखा। सामने मुझे खाली गली और हल्की रोशनी वाले लैंप के अलावा और कुछ नहीं दिखा। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। कोई मेरे घर के आंगन में गत्ते का डब्बा छोड़ गया था। मैंने उसे खोला और चिल्लाया, उसमें बच्चे की कटी फटी गुड़िया थी। उसके ऊपर चींटियां चल रही थी और उसका चेहरा जला हुआ था। मैंने उस डब्बे को दूर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। पूरी रात जब तक मेरे पेरेंट्स घर नहीं आ गए, मैं जागता रहा। मैं उन्हें इस हादसे के बारे में नहीं बता पाया क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। मुझे आज भी याद है उस डब्बे के अंदर से निकले हुए नोट पर क्या लिखा था, अगली बार इसमें से कोई गुड़िया नहीं निकलेगी। मैं अपने घुटनों पर बैठ गया। मेरे चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। हाँ, लूजर। जब मैंने अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो हवा में घूमती हुई फुटबॉल सीधे मेरे मुंह पर आकर लगी। उसका प्रभाव इतना तेज था कि मैं जोर से पीछे को गिरा और मुझे दिन में तारे दिखाई देने लगे। आया मजाक पड़ाकू, किसी ने मुझे पैरों से खींचा और मैं कराने लगा। वो और कोई नहीं बल्कि मुझे परेशान करने वाला जोई था। वो मेरे सर पर टपली मारने लगा और उसके दोस्त हंसने लगे। फिर उसने मुझे कीचड़ में धक्का दे दिया। तुम रेंगते हुए अपनी गुफा में जाकर मर क्यों नहीं जाते? तुम कितने बड़े पागल हो, इसमें कोई शक नहीं कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। मुझे मिट्टी में अकेला रोते हुए छोड़कर वो हंसते हुए मेरा मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। अब बस मैं बहुत सह चुका था। बहुत सताना, ताने कसना, ऐसा महसूस करवाना जैसे मैं किसी काबिल नहीं हूँ। मैं खड़ा हुआ, मैंने अपने चेहरे से मिट्टी झाड़ी और घर की तरफ जाने लगा। मैं सीधे अपने कमरे में गया और रोते रोते सो गया। मैं ये सब सहते सहते थक चुका था कि मेरी जिंदगी पर मेरा कोई हक नहीं है। जब मैं उठा तो अपनी आंखें मसलते मसलते मैंने सोशल मीडिया देखा। मैं अब थक गया था, बहुत परेशान हो चुका था। मैं इंटरनेट पर चीजें ढूंढता रहा। मैं और ज्यादा अंधेरी चीजें देखता रहा। ऐसे मंच की खोज करने लगा जहां लिखा हुआ था कि जो लोग आपको परेशान करते हैं आप उनसे कैसे बदला ले सकते हैं। और वहां जाकर मैं रुका। एक ऐसा मंच जहां बताया गया था कि डार्क वेब में कैसे घुसा जा सकता है। मुझे बहुत जिज्ञासा थी इसलिए मैंने लिंक पर क्लिक किया। वो मुझे एक वेबसाइट पर ले गई जहां बहुत से लिंक थे। मैंने पहले ही लिंक पर क्लिक कर दिया जिस पर लिखा था हिटमैन फॉर हायर। मैं बहुत ही उलझन में था लेकिन फिर भी पढ़ता रहा। उस वेबसाइट पर लिखा था कि वो आपकी जिंदगी की किसी भी उलझन को जड़ से निकाल सकते हैं जिसकी कीमत आपको चुकानी है। मैंने उन लोगों के बारे में सोचा जो मुझे परेशान करते हैं और उन्हें जाते देखना कितना सुकून भरा होगा। ऊपर से इस वेबसाइट पर एक पैकेज फ्री था। समस्या दूर, क्या मतलब है इसका? और कोई ऑर्डर नहीं हो सकता? अपने कंधे उठाते हुए मैंने ऑर्डर के बटन पर क्लिक किया और मुझे परेशान करने वाले लोगों का नाम और पता उसमें भर दिया। मेरे दिमाग में जो भी आ रहा था मैंने उन सब का नाम लिख दिया, यहां तक कि मिस हार्लिंगटन का भी, जिन्होंने मुझे स्कूल के बाद देर तक रोक कर रखा था क्योंकि मेरे मार्क्स कम आए थे। आखिर में उसमें मुझे अपना नाम और पता भी भरना था। अपनी जानकारी डालने के लिए मैं एक बारी को झिझकने लगा लेकिन आखिर मेरे पास खोने के लिए क्या ही था। जैसे ही मैंने सबमिट का बटन दबाया कुछ अजीब होने लगा। मेरी स्क्रीन पर एक हिट लिस्ट आ गई और उन लोगों का नाम दिखाई देने लगा जो मैंने भरे थे। अजीब बात यह थी कि सबसे नीचे मेरा नाम भी था और उसके आगे लिखा था काम की पेमेंट। उस वक्त जबकि मेरी मॉम ने मुझे डिनर के लिए बुला लिया इसलिए मेरे पास उसके बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं बचा। सच कहूं तो उसके बाद मैं उस चीज के बारे में भूल भी गया और वापस से अपनी आम जिंदगी जीने लगा। कुछ दिन बीते और फिर कुछ हफ्ते। मैं सब भूल चुका था कि अचानक मुझे कुछ अजीब होने का एहसास हुआ। जो ही अक्सर स्कूल के दरवाजे पर मेरा इंतजार करता था ताकि वो मुझे परेशान कर सके, लेकिन आज वो कहीं नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि जोई या उसका कोई भी दोस्त मुझे काफी दिन से नहीं दिखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गए हों। मैं सोचने लगा कि कहीं वो बीमार तो नहीं, लेकिन मैंने उन्हें ना ही हॉल में कहीं देखा था और ना ही क्लास में। ऐसा लगता था जैसे वो गायब हो गए हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जैसे ही मुझे उस वेबसाइट का ख्याल आया। ये सच नहीं हो सकता, क्या ये हो सकता है? मैंने अपने इस ख्याल को खारिज किया और उसके बारे में भूलने की कोशिश की, लेकिन मैं इस बात को भूल नहीं पा रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी। जब तक मैं क्लास में नहीं गया मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर क्या चीज गड़बड़ थी। मेरी टीचर डेस्क के पास खड़ी थी, उनके बाल बिखरे हुए थे और मेकअप फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत रो कर आई थी। क्लास, मेरे पास आप सबके लिए एक बुरी खबर है। ऐसा लगता है जैसे जोई, सहरा और जॉन का निधन हो गया है। जब उन्होंने हमें यह खबर सुनाई तो मेरे सर से पसीने टपकने लगे। वो लोग मर चुके थे, लेकिन कैसे? ये उस वेबसाइट का काम नहीं हो सकता है ना? जैसे ही मैंने मिस हार्लिंगटन का चेहरा देखा मैं डर के मारे जम गया। ये तो अब तक जिंदा है ना? इसका मतलब ये काम उस वेबसाइट का नहीं है।
मैंने चैन की सांस ली और किताब खोलते हुए सोचने लगा कि दुनिया ने मेरे लिए एक काम तो अच्छा किया, लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे सांस घुटने जैसी आवाज आने लगी। मिस हर्लिंगटन अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। उनके हाथ ने अभी भी कॉफी का कप पकड़ा हुआ था जो धीरे धीरे डेस्क और जमीन पर गिर रही थी। जैसे ही ग्लास जमीन से जा लगा उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और जैसे ही उनकी आंखें एक टुक देखने लगी और बड़ी हो गई, मैं समझ गया मर चुकी है। चिल्लाते हुए मैं क्लास से बाहर भागा। मेरे दिमाग में ख्याल आने लगे, ये काम उस वेबसाइट का नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब मैं घर की तरफ जा रहा था तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे एक गाड़ी मेरा पीछा कर रही है। वो काफी देर से मेरे पीछे धीरे धीरे चल रही थी। मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई तो उस कार ने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली। मैं भागने लगा लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो गाड़ी आखिरकार मेरे सामने आकर रुक गई। जो आदमी गाड़ी से बाहर निकला वो बहुत ही डरावना था। उसे बयां करने के लिए और कोई शब्द नहीं थे। उसके काले बाल अजीब अजीब सी जगहों से निकल रहे थे और उसने काले रंग की टोपी पहनी हुई थी, लेकिन जो चीज सबसे डरावनी थी वो था उसका नकाब। वो सफेद रंग का था, उस पर मुंह का आकार और उस पर अजीब दांत बने हुए थे। आंखों की जगह एक मोटी लाइन और पेंट से बनी आईब्रोस। मुंह के नीचे लाल रंग का निशान था जैसे खून का धब्बा हो। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मैं डर के मारे हैरान था। पेमेंट अभी बाकी है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। तुम चाहते थे कि वो तुम्हारी जिंदगी से चले जाए और मैंने ऐसा ही किया। अब बारी है पेमेंट की। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या मतलब था। तुम कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हो और मैं हमेशा अपनी पेमेंट्स लेता हूं। नहीं प्लीज, मैं नहीं। तुमने एक शैतान के साथ सौदा किया है, अब तुम्हारी बारी है। मैं आखिरकार अपने शरीर को घुमाने, हिलाने और भगाने की कोशिश करने लगा। वो आदमी काफी तेज था और मैं उसके पैरों की आवाज अपने पीछे आते हुए सुन सकता था। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मैं बहुत तेज भाग रहा था लेकिन उतना काफी नहीं था। उसने पीछे से मुझे पकड़ लिया और जमीन पर जोर से पटका। मैंने आखिर में उसका सफेद नकाब देखा। उसके बाद उसने मेरे चेहरे पर एक कपड़ा कर दिया। मैं चिल्लाने की कोशिश करना चाहता था लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो उसका मुंह मेरे सामने लटका हुआ था। मैं किसी तरह के तहखाने में था। उसके पास उपकरण थे, चिकित्सा के उपकरण, और मुझे एक टेबल से बांधा हुआ था। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे मुंह नहीं चल पा रहा था। मैं उसे अपने पास हाथ में एक बड़ी नुकीली सुई लाते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद मैं फिर बेहोश हो गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं वहीं था जहां उसने मुझे पकड़ा था। दर्द में कराहते हुए कई सारे पुलिस वालों को अपनी तरफ भागते हुए आता देख मैं हैरान हो गया। ये सब क्या? जितना हो सकता था अब मैं उतना ठीक था। तो हुआ यूं कि कहीं महीनों से मैं लापता था और किसी अनजान की टिप से पुलिस को मेरा पता चला। मैं नहीं जानता कि उन्हें किसने तलाक किया लेकिन मैं खुश हूं कि मैं जिंदा हूं। मेरा मतलब है काफी हद तक। मुझे बाद में समझ आया कि मैंने किस तरह उस आदमी की पेमेंट चुकाई। मेरे शरीर के कुछ अंग गायब हैं, मेरी किडनी, मेरी जीभ और कुछ और भी जिसके बारे में मैं सोचना नहीं चाहता। शायद उन्हें ब्लैक मार्केट में या बेचा जाएगा।